गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करता हूँ क्लास फिफ्थ की SST लेसन 17, सम पीपुल नेवर डाई, ओके, एंड द टॉपिक इज सोनल मानसिंह। स्टूडेंट्स, आई यू नो दैट कि हम लोग अभी इस समय SST में लेसन 17 पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक लेसन नेम है सम पीपुल नेवर डाई। और आज इस लेसन पे हम लोग थर्ड वीडियो करने वाले हैं। इस पे दो वीडियो मैं पहले सर्व कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब से आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपको पीछे की स्टोरी जो है समझ में जल्दी आ जाए। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो हैं सोनल मानसिंह। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अमृता सेन, इसके बाद पढ़े थे APJ अब्दुल कलाम, और लोगों के बारे में हमने पढ़ा जो हमें काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज दिए। मदर टेरेसा के बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग इस लेसन का लास्ट वीडियो और अंतिम टॉपिक्स जो है इसको हम करेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखें ताकि आपको इसकी स्टोरी समझ में आ जाए, ओके। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 108 ओपन कर लें, ताकि आप लाइन बाय लाइन की स्टोरी समझ सकें। आइए देखते हैं कि सोनल मानसिंह एक्चुअली थी कौन, और इन्होंने किस एरिया में अपना नाम रोशन की, और हमें जो है एक इंस्पायरेशन दी, देखते हैं हम लोग। तो सोनल मानसिंह, सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ओके। तो सोनल मानसिंह वाज बॉर्न ऑन May 1, 1944 इन मुंबई टू अरविंद एंड पूर्णिमा पाक्शा, यानी कि जो इनका जन्म है 1 मई को 1944 में मुंबई में हुआ था, अरविंद एंड पूर्णिमा पाक्शा के घर में, यानी कि इनके मदर फादर हैं। हर ग्रैंड फादर, यानी कि जो इनके दादाजी थे, किंग दादाजी सोनल मानसिंह के दादाजी, वो क्या करते थे, वे कौन थे? तो वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जब हमारा कंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइटिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए, उसमें इनके दादाजी एक महान देशभक्त के रूप में, एक फ्रीडम फाइटर्स के रूप में वर्क किया। हर पेरेंट्स बूस्टेड हर टैलेंट ऑफ डांसिंग एट एन अर्ली एज, यानी कि प्रारंभिक से ही, यानी कि बचपन से ही जो इनके माता पिता थे, इनके पेरेंट्स जो इनके गार्जियन थे, वे इनके डांसिंग की टैलेंट को, डांसिंग की कला को उभारना चाहते थे और अधिक विकसित करना चाहते थे, यानी कि उनको उस क्षेत्र में और लोग प्रोत्साहित करते थे और लोग उनको बढ़ावा देते थे। सी लर्न मणिपुरी डांस, और उन्होंने डांस की कई विधाओं को सीखा, जैसे आपको देखें मणिपुरी डांस, भरतनाट्यम, छऊ एंड ओडिसी फ्रॉम वेरियस इल्स्ट्रियस गुरुज, यानी कि बहुत अनुभवी टीचर द्वारा, जो है कुशल शिक्षकों द्वारा इन्होंने इस तरह की डांस की शिक्षा ली थी, उनको नॉलेज था। हर डांसिंग कैरियर ब्लूम विथ हर परफॉर्मेंस ऑन मेनी इंडियन क्लासिक्स, यानी कि जो इनकी डांसिंग की परफॉर्मेंस था, जो कैरियर था, वह अचानक तेजी से बढ़ा, यानी बहुत अच्छी खासी बूम्ड की इनके परफॉर्मेंस को लेकर के। उन्होंने बहुत सारे इंडियन क्लासिक डांस को की हैं, जिसमें कलाकृतियां हैं, इसमें आपका सन्यासी, उपगुप्ता, मेघदूतम, जो कालिदास द्वारा लिखी हुई एक संरचना है, इसमें इन्होंने काम की, कुमार संभवम, ये भी उन्हीं की है, एंड द्रौपदी, ये ऐसे क्लासिकल डांस हैं जिनमें इन्होंने काम की और अच्छा खासा आपका परफॉर्मेंस भी दिखाई। सी आल्सो डिपिक्टेड हर एक्सीलेंस इन कोरियोग्राफिक वर्क्स लाइक आस्था निकिया, इंद्रधनुष, क्या नाम है, इंद्रधनुष, ओके, देवी दुर्गा, आत्मनयन, मेरा भारत एंड शब्र, इन तमाम कार्यों में, कोरियोग्राफिक वर्क्स में की हैं। और इनके लिए, इस वर्क के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा सम्मान से, अवार्ड से नवाजा गया है,
आइए हम इसको भी देख लेते हैं। शी वाज कंफर्ड सेवरल अवार्ड, यानी कि इन्होंने बहुत सारे अवार्ड को प्राप्त की हैं। एक वर्ड है कंफर्ड, मतलब होता है प्राप्त करना, लेना, ओके, अपने खाते में डालना, यानी कि अपने को उपलब्धि करना। अवार्ड को उन्होंने प्राप्त की हैं एंड ऑनर्स फॉर प्रिजर्विंग द रिच कल्चरल एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संस्कृति और जो कल्चर परंपरा है उसको प्रिजर्व करने के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड एंड सम्मान जो है से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राजीव गांधी एक्सलेंस अवार्ड, पद्म अवार्ड, कालिदास सम्मान एंड द मेडल ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द स्टेट क्यूबा वेयर मोस्ट प्रोमिनेंट एमॉन्ग देम, यानी कि उन सम्मानों में से अवार्ड में से इनका नाम जो है इम्पोर्टेंट आता है। सी इज द फाउंडर ऑफ सेंटर ऑफ फॉर इंडियन क्लासिकल डांस इन 1977, यानी कि इन्होंने एक ऐसी संस्था का जो है फाउंडर मेंबर हैं या फाउंडर हैं जिसका नाम है इंडियन क्लासिकल डांस सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस, यानी कि CICD, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1977 में की गई थी। विच फॉरेस्टर हिज कल्चरल लेगेसी एमॉन्ग यंगर जनरेशन, और जो इनके कार्य हैं, जो इनके उपलब्धियां हैं हमारे न्यू जनरेशन के लिए, यंगर जनरेशन के लिए एक बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रहा है ना। तो अभी हमने देखा मेनली इस लेसन में हमें कुछ ऐसे विभूतियों के बारे में पढ़ने को मिला जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसी महान मिसाल कायम करके रखी जो हमें आज भी प्रेरणा देती हैं, जो उनके वर्कों की वजह से, उनके कार्यों की वजह से हम आज भी उनको अपने दिलों में, दिमागों में जिंदा रखते हैं। इसीलिए आपके लेसन का नाम है सम पीपुल नेवर डाई, कुछ लोग होते हैं जो कभी मरते नहीं हैं, यानी कि वो सशरीर ना हो करके भी हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में वो आज भी क्या हैं, जिंदा हैं। ओके, तो ये लेसन का आपका लास्ट वीडियो था। अब मैं फिर आपको साथ मिलूँगा नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।